आज हम आपको श्रीलंका देश से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने सभी चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आइए इसी के साथ जानते हैं क्या हैं वे दिलचस्प और रोचक बातें। श्रीलंका देश को अपनी खूबसूरती और विचित्र अता की वजह से हिंदू महासागर का मोती कहा जाता है। साल 1972 से पहले श्रीलंका देश को सिलोन नाम से जाना जाता था और इस देश का जिक्र भारत के पुराने ग्रंथ रामायण में भी किया गया है। सार्क 1960 के समय में श्रीलंका दुनिया का पहला देश था जहां एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। श्रीलंका के ध्वज की खासियत है कि वे चार धर्मों के प्रतीक को दर्शाता है। श्रीलंका देश में साक्षरता दर पूरे 98% है और यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक पढ़ी लिखी होती हैं। यह श्रीलंका देश की कुछ खास बातों में से एक है। 2 करोड़ जनसंख्या वाले देश श्रीलंका में मौजूद विश्वविद्यालयों की संख्या 20 है और यहाँ की जनसंख्या भारत देश के 2-3 राज्यों की जनसंख्या के बराबर है। श्रीलंका देश में 20वीं शताब्दी के समय मलेरिया काफी अधिक मात्रा में फैल गया था, लेकिन 2016 तक ये दुनिया का मलेरिया फ्री देश बनने में सक्षम रहा है। श्रीलंका देश में गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और उनके प्रति हुई बदसलूकी को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस बात का उदाहरण दुनिया के जाने माने सिंगर एकॉन है, जिन्होंने गौतम बुद्ध की प्रतिमा के नीचे कुछ लड़कियों को बहुत गलत तरीके से नचाया था। फिर क्या था, उन्हें श्रीलंका देश से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। श्रीलंका देश में गौतम बुद्ध के अनुयायी सबसे अधिक हैं और इसके बाद वहां के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बहुत कम लोग इस्लाम धर्म में आस्था रखते हैं। श्रीलंका देश का राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गा कहा जाता है। वैसे इस बात को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की रहने वाली हैं। दोस्तों, आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।